नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश की पहले थोड़ी सी कर ले, क्योंकि कल श्रीकांत त्यागी को लेकर के जो बवाल मचा हुआ था वो बवाल आज थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि श्रीकांत त्यागी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे वाक्य में ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, श्रीकांत त्यागी के ऊपर कानून का राज स्थापित करवाना चाहती है और श्रीकांत त्यागी को शिकंजे में लेना चाहती है। लेकिन बिहार में बीजेपी के शिकंजे से कोई भाग गया है और भागे हैं खुद सीएम नीतीश कुमार। बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार अब जेडीयू के साथ एनडीए से अलग हो गए हैं। बीजेपी से उन्होंने बगावत कर दी, वो बीजेपी से अलग हो गए, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि अब मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन इस बार मेरे साथी कोई और होंगे और साथी इस बार होंगे आरजेडी वाले। लेकिन ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हुआ क्यों, क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार अलग हो गए? हालांकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता रहा है कि उनका गठबंधन कभी भी सफल नहीं रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि 2024 तक तो ये गठबंधन किसी तरीके से चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके पहले ही ये गठबंधन टूट गया। 25 में बिहार में चुनाव होने हैं, उसके पहले ये जो गठबंधन टूटा है और गठबंधन टूटने के बाद एक नए गठबंधन से बिहार में सरकार बनने वाली है, उससे ये साफ साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद 24 के लिए बिहार में एक नई इबारत जो है वो लिखी गई है। और इस नई इबारत में अगर कोई पीछे रह गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी बिहार में। 2020 में जब बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई थी तो एनडीए गठबंधन से उनकी सरकार बनी थी। उस दौरान आरजेडी के पास सबसे ज़्यादा 75 सीटें थीं और इसके अलावा 45 सीटें पाकर के नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करके अपनी सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आज एकाएक उन्होंने इस्तीफा दिया, एकाएक तो नहीं दिया, इसके पहले भी कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसे हम एकाएक नहीं कह सकते। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एकाएक इस्तीफा दिया, तो एकाएक तो इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता जो थे, जो जमीनी कार्यकर्ता थे, वो एनडीए की पॉलिसी से, बीजेपी की पॉलिसी से नाराज चल रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। तो क्या ये बीजेपी को नहीं पता था? क्या एनडीए के बाकी दलों को नहीं पता था, नहीं समझ आ रहा था? कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के भी लगातार एनडीए में बगावत चल रही थी, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, सदन में जब वो बोल रहे थे या बोलते थे तो उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही थी, विभागों में भी कहीं सही तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे थे। विकास की दृष्टि या बाकी दृष्टियों पर अगर देखा जाए तो बिहार में किस तरह से काम वो करना चाह रहे थे और एनडीए उनके उनसे किस तरह से काम करवाना चाह रही थी, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, मंत्रियों में नाराजगी थी, विधायकों में नाराजगी थी, और इसी वजह से आज नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। तो क्या बीजेपी को नहीं पता था कि हमारे साथी जो मुख्यमंत्री हैं वो हमसे नाराज हो रहे हैं? इसके अलावा भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो अब सामने आए हैं और इस नाराजगी का कारण क्या क्या रहा है, इस पर बीजेपी को विचार विमर्श करना जरूरी है, समझना जरूरी है। लेकिन नाराजगी के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। कल एक बार फिर से हो सकता है कि सीएम पद की वो शपथ लें, लेकिन उनके शपथ लेने के बाद पार्टी में या सरकार में क्या गतिविधियां रहेंगी, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, आरजेडी का इसमें कितना सहयोग रहेगा, तेजस्वी यादव का क्या सहयोग रहेगा, और स्पीकर कौन बनेगा, विभाग किसको कौन से दिए जाएंगे, लंबे समय से नीतीश कुमार के पास जो विभाग थे क्या वही विभाग उनके पास रहेंगे या विभागों में भी कुछ फेरबदल होगा, 24 पर इसका कितना असर पड़ेगा, इन सब की जो रूपरेखा है, जो गणित है, वो पहले भिड़ा दी गई थी। और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक इफ्तार पार्टी जो हुई थी और उस इफ्तार पार्टी में बीजेपी को छोड़ के सभी लोग जो तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचे हुए थे, वहीं पर इस पूरी कहानी की पटकथा जो थी वो लिख दी गई थी और उसका पूरा जो रूपांतरण था आज सबके सामने आ गया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ये भी कहा इस्तीफा देने के बाद कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा।
राज्यपाल से उन्होंने समय मांगा, उन्होंने पत्र दिया और ये कहा कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, पर्याप्त विधायक हैं, हम अपनी सरकार बना ले जाएंगे। विधायकों के आंकड़े की अगर बात करी जाए तो 45 विधायक इस वक्त नीतीश कुमार के पास हैं, 79 विधायक आरजेडी के पास हैं और 19 कांग्रेस के पास हैं, जो सरकार बनाने के लिए बहुत आसान है। और इसके अलावा लेफ्ट की कुछ पार्टीज़ जो हैं वो पीछे से भी नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगी, मतलब आसानी से नीतीश कुमार अपनी सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन इस बार इनका ये गठबंधन कितना मजबूत रहेगा, कितना सही तरीके से चलेगा, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन ये गठबंधन जो एनडीए के साथ उनका था वो क्यों टूटा, क्या कारण रहा और क्या यहाँ से 24 की एक नई कहानी लिखी जाएगी, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करता हूँ। सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। समय से वो इस रणनीति पर वो काम कर रहे थे, पर मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया, जिस तरीके से 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज जो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीज़ों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिलजुल करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी। सीनियर नेताओं के बयान आए और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी और एनडीए को जो वोट मिला था, जो जनता ने उनके पर भरोसा जताया था, नीतीश कुमार ने उस भरोसे का हनन किया है, जनता के भरोसे का खिलवाड़ किया है। लेकिन भाई ये तो राजनीति है, राजनीति में सब हुआ करता है। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो कहानी है वो दिल्ली से रची जा रही है और दिल्ली में बैठे हैं लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती जो उनकी बेटी हैं, उनके आवास पर वो रुके हुए हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और वहीं से सारी जो कहानी है, सारी जो पटकथा है वो लिखी जा रही है। हर एक मूवमेंट पर लालू प्रसाद यादव की निगाह बनी हुई है, वो लगातार सबसे बात कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव पहले नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो घर है उसके दरवाजे जो हैं वो चारों तरफ खुलते हैं, वो कभी भी किसी के घर भी चले जाते हैं। और राजनीति में भी कुछ इसी तरह का है कि वो दरवाजे अपने जो हैं वो हर तरफ खोले रहते हैं, कोई भी उनके साथ आए वो सहयोग के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और इन सब की जो रूपरेखा है वो दिल्ली से रची जा रही थी। लालू प्रसाद यादव एक एक चीज़ पर निशानी बनाए हुए थे और उसके बाद इतना बड़ा कदम लिया गया। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आशीष सक्सेना जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हैं। सभी मेहमान का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, सबसे पहले आपके पास एक बड़ा आघात आप लोगों को पहुँचा है जैन साहब, बिहार में बड़ा नुकसान हुआ है 24 के पहले, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है? देखिए नितिन जी, ये जो धोखा है और जो ये नुकसान की बात है, तो ये आम जनता का नुकसान है, आम जनता के साथ। अच्छा, आप धोखा क्यों कह रहे हैं इसको? नीतीश कुमार जी, देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ आप। दरअसल नीतीश कुमार जी जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के चुनाव लड़े, तो बात ये नहीं है कि साथ में रहे तो साथ में रहना चाहिए, जीते चाहे हारे, लेकिन जो आरोप लगा करके नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को तोड़ करके और आरजेडी के साथ गठबंधन जो करके सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो मुख्य बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें लेकर के आते हैं, 43 सीटें लेकर के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की 74 सीटें आती। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। अच्छा। इनको आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री बनाया और
जो मंत्री थे मुख्य विभागों के मंत्री भी जो है जनता दल यूनाइटेड के बनते हैं, उसके बाद में अभी इतने कम समय में वो ये कह रहे हैं कि हमारा अपमान कर रहे थे, तो कौन सा इनका अपमान हो गया? यानी इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ये अपमान हो गया क्या? या इनको पूरा सम्मान दिया गया, इनके लोगों को मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा जगह दी गई, ये अपमान हो गया? तो अपमान कह करके, अपमान बता करके ये कौन सी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? और राजनीति में देखिए, लोकतंत्र में और राजनीति में सबसे बड़ा फैसला जनता का फैसला होता है। तो जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश का एक तो अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि उनका अपमान हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें जीत करके आते हैं और इनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो इनका अपमान हो गया, और तो कहीं कोई अपमान हुआ नहीं। अच्छा। और रही बात ये जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं कि आप धारा 370 पे बात मत करिए, आप सीए पे बात मत करिए, तो ये सारे मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जाने से पहले हल हो चुके हैं। अच्छा। और इसके लिए जो सदन में पास हो रहा था बिल भी सदन में पास होकर के वो लागू भी हो चुका है। ठीक है, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है, अगर उसकी आज बात करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, वो तो लागू हो चुका है। सीए की बात है, सीए लागू हो चुका है, सीए पास हो चुका है, तो ऐसे में उन मुद्दों को आधार बना करके कि हमारा अपमान हो रहा है, इन चीजों के साथ नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति के साथ ये भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि इनको जनता ने पहले से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में इनको बड़ा सम्मान दिया, लेकिन वो कहावत है ना कि सब लोगों को सम्मान और घी हजम नहीं होता है, वही स्थिति यहाँ पर। क्या नहीं हजम होता है? सभी लोगों को सम्मान नहीं हजम होता है, ये आपने कुछ और भी बोला है। चलिए मैं आऊंगा, आवश्यकता से जब ज्यादा सम्मान हो जाता है, ठीक है, मैं आऊंगा। दरअसल ये डिप्टी सीएम बनने भर के भी नहीं थे, मैं सीएम बनाया गया, ये सम्मान इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है मैं आऊंगा। आशीष सक्सेना जी, आपने सुना जयंत साहब क्या कह रहे हैं, धोखा दे दिया और पता नहीं क्या क्या, हजम नहीं होता, क्या दिक्कत है इनकी? धोखा और हजम होने वाली बात से पहले मैं बताना चाहूंगा जयंत साहब को, जो सम्मान जयंत साहब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिया है, सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया है भाजपा को बिहार में स्टेबल करके, वरना भाजपा बिहार से बहुत दूर थी। केवल नीतीश कुमार जी की देन है, उनके जनाधार की वजह से, उनके सहयोग की वजह से कि गठबंधन हो रहा है, वहां की जनता ने जहां जहां भाजपा को सीटें दी गई थी वहां से भाजपा के उम्मीदवार जिता दिए, अदरवाइज भाजपा का कोई बिहार के अंदर जनाधार नहीं था, ये मैं बता दूं। दूसरी, ये क्यों कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनने लायक नहीं थे, हमने मुख्यमंत्री बनाया? वो तो ये खुद जानते होंगे ना कि कौन क्या बनने लायक था। ये क्या ये खिसियाहट है इनकी? बिल्कुल, इनके क्या जो वहाँ डिप्टी सीएम इनके बनाए गए हैं वो मुख्यमंत्री बनने लायक थे क्या? नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व ही मुख्यमंत्री लायक था, और आगे भी रहेगा और पहले भी रहा है। और जो सम्मान और हजम करने वाली घी बता रहे हैं वो शायद जैन साहब के ही ऊपर लागू हो रही है, इसीलिए जैन साहब ने माननीय नीतीश कुमार जी की बातों को सुनना बंद कर दिया था, जैन साहब की पार्टी ने, और आरसीपी सिंह जी को गलत ट्रैक पर लेके आ रहे थे, और जिस वजह से पूरा ही जो राजनीतिक खिचड़ी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के एक घर में विभीषण पैदा करने की वजह से बनी है। अच्छा। ये आरसीपी सिंह को एज विभीषण पैदा करना चाह रहे थे हमारी पार्टी के अंदर, उसका नतीजा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाला कोई खेल यहाँ पर, बस वही खेलना चाहते थे, वहां ये खेल नहीं पाएंगे बिहार में, ना कभी पहले खेल पाएंगे। जैन साहब सुना आपने, ये महाराष्ट्र वाला जो खेल आप लोग रच रहे थे बिहार में, उसके बारे में इनको पता चल गया? देखिए देखिए जी देखिए नितिन जी, मैं वो 60 में जवाब दूं 10 सेकंड में। देखिए बात ये है, सम्मान और गैर सम्मान की, डिप्टी सीएम और सीएम की, जो कि अभी आशीष जी ने जो बात कही, दरअसल देखिए ये कह रहे हैं कि जो है नीतीश जी की वजह से भाजपा जीती, तो वो जो व्यक्ति स्वयं नहीं जीत पा रहा है वो दूसरे को कैसे जिताएगा? अच्छा। तो जो स्वयं 43 सीटें लेके आया, और वो मतलब स्वयं 43 सीटें लेकर के आते हैं गठबंधन में, और हमें जनता 74 सीटें दे देती है, तो ये इनकी मानता है कि जनता का जनादेश ये दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको? ठीक है सक्सेना जी, वो भी आप कल से बयान सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी जो चिराग पासवान की बदौलत है जो उन्होंने सेंध लगाई थी, ये उसका ही नतीजा है कि हमारी सीटें कम हुई हैं,
ठीक है, इन्होंने चिराग पासवान को हमारे एंटी यूज किया और हमारे साथ एक तरफ तो हमसे मिलते रहे, दूसरी तरफ हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम करते रहे। अच्छा। और चिराग पासवान ने वहीं वहीं उन लोगों को टिकट दिए जो कि भाजपा से निकाले जा चुके थे, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या, आप बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से। प्रदीप जी, आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए बिहार में, जैन साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी नाराज हैं वो। देखिए, धोखा ओखा देने की बात कर रहे हैं, देखिए धोखा दे दिया मुझे। नहीं नहीं, धोखा देना तो भाजपा के नेताओं का काम है और ये इसमें बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। बस ये क्रोध या क्रोधित इसलिए है भाजपा के नेता क्योंकि वो अपनी मंशा जो थी उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने जो काम महाराष्ट्र में किया उसी काम को लेकर के वो बिहार में करना चाहते थे कि बिहार को वो नीतीश कुमार को हाशिए पे लाना चाह रहे थे, बिहार में भी जेडीयू को खत्म करना चाह रहे थे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। समय रहते नीतीश कुमार जी सचेते और उन्होंने जो स्टेप्स लेने थे वो सही समय पे स्टेप्स ले लिए, वरना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह ही चुके हैं कि क्षेत्रीय दल को समाप्त करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य है। वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के ही लगे, वो आप देखेंगे तो और राज्य में जाएंगे, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहां पे इन्होंने क्या किया, किस तरीके से पार्टी को तोड़ने का काम किया ममता जी की। आप महाराष्ट्र में जाएंगे वहां देखेंगे, बिहार में भी इनका एक कदम था। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अपरोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने का काम अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। इनका ये कहने को तो क्या करते हैं कि 2014 में जब सत्ता में आते हैं तो छोटी छोटी पार्टी जिनका जिनके पास हजारों की संख्या में भी कार्यकर्ता थे उनको भी साथ में ले लिया, उनके दम पे सरकार बनाते हैं और उसके बाद जब सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हीं पार्टियों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। तो उसमें असफल हुए हैं बिहार में। बिहार की जनता चाहती थी कि वो जो एनडीए की जो राजनीति है उससे वो बाहर आना चाहती थी क्योंकि एनडीए की राजनीति, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात नीतीश कुमार जी बहुत काफी समय से कर रहे हैं, मगर उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो उनको आश्वासन दिया था मगर सरकार बनने के बाद में फिर से वो उसे बैक स्टेप ले लिया। वो काफी दिनों से जातिगत जनगणना की बात भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में काफी लंबे समय से विरोधाभास की स्थिति जो उत्पन्न थी, उसके बाद आरसीपी सिंह वाला प्रकरण, वो यहाँ पे भी सिंधे जैसे ही आरसीपी सिंह को प्रस्तुत करके जेडीयू को खत्म करना चाहते थे, तो उसमें सफलता ना मिलना वो साफ झलकता है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे अखिलेश यादव जी ने भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को आज बिहार से वहां के जेडीयू ने और कहिए अपरोक्ष रूप में बिहार की जनता ने बिहार से बाहर करने का काम किया है। जैसे 9 अगस्त से शुरुआत हुई थी क्रांति की और वो 15 अगस्त में पूर्ण हुई थी, तो आने वाले समय में आप देखते जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया है और वो शिखर तक पहुंचेगा बिल्कुल जाकर के, एक समय भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। ठीक ठीक ठीक। नितेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। नितिन जी, जैन साहब एक बार सबको सुन लीजिए, सबको, फिर मैं आऊंगा गाने की शादी में मुल्ला दीवाने। अरे भैया, ये भी तो सरकार में जा रहे हैं ना, ये कहां से अब्दुल्ला वाली बात आप करने लगे, ये भी तो सरकार में जा रहे हैं। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन जी, ये जैन साहब को क्यों लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थे नीतीश कुमार, हमने मुख्यमंत्री बना दिया, इतना सम्मान दे दिया? नहीं, वो सही कह रहे थे ना, प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी, मैं आपको बता चुका हूँ जैन साहब भी राजपूत हैं जी, जिसका राज होता है उसी के साथ रहते हैं। इनका भी पूरा इतिहास आपको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से पहले कहां थे इसलिए ये तो राजपूत है, इन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इस समय देश के और प्रदेश के हालात पर ही बात करना चाहूंगा। जैन साहब भी पुराने समाजवादी हैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी बहुत समय तक रहे हैं इसलिए नितिन जी, सच्चाई ये है कि आज आप देख रहे हैं, ये हमेशा कभी ना कभी सत्ता अलग चीज होती है लेकिन व्यक्ति का जो मूल विचार होता है वो कभी खत्म नहीं होता है जी। और सत्ता के लिए लोग समझौते करते हैं, बहुत बड़े बड़े समझौते करते हैं, तो इसमें दोनों लोगों पर लागू होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी हों।
नीतीश कुमार जी का मूल जो है वो समाजवादी विचारधारा से रहा है, वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ से लेकर के, और एक जेपी मूवमेंट के नेता हैं, चाहे लालू यादव जी रहे हो, नेताजी हो, रामविलास पासवान रहे हो, रणदेव यादव जी रहे हो, ये सब मूल रूप से उसी एक संघर्ष की राजनीति के लोग हैं, और इनका मूल विचार संविधान, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र कहीं ना कहीं उनके मन में है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत आपको सबको पता है कि जो आज के दिन को नहीं माना, इन्होंने जब 1942 में 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो के नारे के साथ एक देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज जो उस समय की मौजूदा हिंदू महासभा थी, और इनके जो आदर्श है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, उस समय 1942 में बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में भागीदारी कर रहे थे, और अंग्रेजी वायसराय गवर्नर जनरल को ये लिख रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए था, ये बाकायदा लिखा पड़ी पत्र में इन्होंने जारी करके इस आंदोलन को कुचलने की बात की थी। और आज वही लोग तिरंगा यात्रा निकालने की बातें करते हैं जो 1942 से लेकर के 2002 तक, जब तक झंडा संहिता में परिवर्तन नहीं कर दिया गया और सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, वहां पर झंडा फहराना अनिवार्य नहीं कर दिया गया, तब तक 2002 तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुख्यालयों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। और एक घटना आपको बताएं, 2001 में राष्ट्र प्रेमी युवा दल एक संगठन था, उसके कार्यकर्ता बाबा मेढे, रमेश कलवे और चटवानी जैसे लोग, इन्होंने तिरंगा झंडा इनके कार्यालय में फहराने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखाने का काम किया था, और 2013 में वो लोग बाइज्जत कोर्ट से भरी हुए थे। ये वो लोग हैं आज ये छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे दलों को छोड़कर पहले तो ये केंद्र की सत्ता में आए, अब जब ये सत्ता में आए तो सत्ता के तमाम शीर्ष पदों पर अपनी विचारधारा के लोगों को स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा चरण इन्होंने जो चलाया कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का काम किया, उसी कड़ी में जिससे जिससे इन्होंने गठबंधन किया है, सबसे पहले ये उसको खाने का काम करते हैं। उसी प्रक्रिया में देखिए कि पहले तो बिहार में जब तेजस्वी यादव सत्ता के करीब थे, चुनाव जीत रहे थे, किस षड्यंत्र से उनको सत्ता से रोका गया, 200-500 वोटों से कैसे कैसे जो बैलेट पेपर की गिनती करके लास्ट में और बहुत सीटें हराने का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की जो सरकार इनके साथ में बनी, इन्होंने अभी हमारे साथी आशीष जी बता रहे थे कि चिराग पासवान जो इनके अलायंस के नेता उस समय हुआ करते थे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहां चिराग पासवान ने कह दिया मोदी जी मेरे हनुमान हूँ, और वो अपना सीना चीर के दिखा दूंगा कि मेरे सीने में मोदी बसते हैं। और वहीं नीतीश कुमार के प्रत्याशी जहां तक लड़े वहां हर सीट पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी लड़ाए, और वही प्रत्याशी लड़ाए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की तैयारी की थी, और जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे पाई उनको चिराग पासवान ने अपने आप प्रत्याशी बनाया, और दो दो चार चार हजार वोटों से चुनाव हार गए। केसी जैन कह रहे थे उप मुख्यमंत्री बनने की हैसियत नहीं थी, और उनको ही पिताजी बनाकर कंधे में बैठा करके घूम रहे थे, भाई क्यों बैठा के घूम रहे थे, किसने कहा था क्यों आपको सत्ता की लोलुपता इतनी सता रही थी, आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया था तो आप विपक्ष में बैठते क्यों, आप सत्ता के साथ गठबंधन करने गए थे, ये सत्ता पाने के लिए तो किसी से जो इनका जस्ट विरोधी हो। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो धारा 370 की बात करने वाले लोग थे, नारा दिया करते थे कश्मीर में जहां पर मुखर्जी हुए। जैन साहब कुछ कह रहे हैं आपकी बात, जैन साहब आपकी बात कुछ कह रहे हैं, आरजेडी के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करने जा रहे थे बिहार में। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने तेजस्वी को सरकार नहीं बनाने दिया, 200-250 वोटों से उनके प्रत्याशियों को हराया था, भाई उत्तर प्रदेश में भी तो यही किया था आप लोगों ने सपा के साथ, ऐसा कहते हैं ये लोग। उसका
वो देखिए ऐसा क्या है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से गठबंधन को तोड़ा है, अभी जिस प्रकार से उन्होंने वोट तो ले लिया और राजभर जी कह रहे हैं कि भाई हमारे वजह से अखिलेश यादव जीते, हम तमाम सीटों पर लड़ते तो अखिलेश यादव जी वहां भी आ जाते पूर्वांचल में। तो इनको जो है दरअसल जो काम अखिलेश यादव जी ने किया वही काम नीतीश जी ने किया कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो चलिए आप तो सत्ता में नहीं थे, गठबंधन तोड़ने का कोई फर्क नहीं, लेकिन वो गठबंधन तोड़ने के बाद में जा किसके साथ में रहे हैं, वो तो विपक्ष के साथ में जाके सरकार बना रहे हैं। और एक चीज अभी आपने एक बात कही कि कहीं पे 500 वोट शेयर आया, कहीं 250 वोट शेयर आया, कहीं 300 वोट शेयर आया। तो ये जब हमारा और नीतीश जी का जब गठबंधन था, जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन था और जब एनडीए चुनाव वहां लड़ रही थी, ऐसी स्थिति में जो 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 सीटों पे तेजस्वी के लोग हारे हैं या आरजेडी के जो जो सीटों पे लोग हारे हैं 250 से 500 वोटों से आप बता रहे हैं, तो इसमें तो नीतीश की पूरी भूमिका है ना, जब गठबंधन में थे तो जिनको नीतीश जी ने हराया वही नीतीश जी आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और रही बात ये, रही बात ये कि जो हमने कहा आपसे तो हमने सिर्फ और सिर्फ सीटों के आधार पे कहा। ठीक है जैन साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज हो गया। एक मिनट, पर दस सेकंड दिला देंगे। और एक चीज जितेंद्र जी ने कही कि जब आपको ज्यादा सीटें मिली थी तो किसने कहा था कि आप मुख्यमंत्री ना बने, तो देखिए आपके गठबंधन में हमारे गठबंधन में यही डिफरेंस है। ठीक है सर, हो गया। नितेंद्र जी कुछ कह रहे, नितेंद्र जी कुछ कह रहे, सुन ले फिर सुभाष जी के पास चले, बहुत देर से बैठे आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने नितेंद्र जी जल्दी से पूरा कितनी भी आए मुख्यमंत्री आप बनेंगे, जब इससे पूर्व में तेजस्वी यादव जी के साथ में नीतीश कुमार जी का गठबंधन था, उस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वा करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था अपना समर्थन दे करके। अरे एक तो ये मौका है तेजस्वी को बदला ले रहे हैं, पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी चले गए। ठीक है, प्लीज हो गया भाई, सुभाष जी के पास हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया, प्लीज हो गया। मैं आऊंगा आप लोग के पास, मैं आऊंगा सुभाष जी के पास। जैन साहब प्लीज, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, जैन साहब प्लीज प्लीज, समाजवादी पार्टी निकली। ठीक है, हो गया भाई, मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी से उस नीरज से ठीक है, हो गया। जैन साहब प्लीज 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 प्लीज, सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, प्लीज हो गया भाई, आप लोगों का सुभाष जी आप इस पूरे एक मिनट जैन साहब को सुन लेना चाहिए। मैं आ रहा हूँ नितिन जी, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। हाँ सुभाष जी जरूर। देखिए ये तो होना ही था, ये होना ही था, क्योंकि जब दो विपरीत विचारधारा के लोग अगर मिलते हैं तो सत्ता के लिए मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब विचार टकराते हैं तो जाहिर सी बात है रास्ते अलग अलग चुनने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। इसकी पटकथा तो जैसे आपने बताया कि जो हुई थी, ईद मिलन समारोह हुआ था उसके अंदर लिख दी गई थी, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रपति का चुनाव था, जब चंद्रशेखर राव जी से मिलने के लिए गए थे तेलंगाना, तभी उन्होंने चंद्रशेखर राव जी को बोला था कि एंटी एनडीए के नेता के तौर पर अगर आप नीतीश कुमार जी को आगे प्रेजेंट करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में आने के लिए तैयार हूं। ये शुरुआत वहीं से हो गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाला कौन था, ये केसी जैन साहब ने बहुत सारी बातें बोली, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन केसी जैन साहब ने ये ध्यान नहीं दिया कि जब सरकार बनी, ये बोल रहे थे कि 45 सीटें देख के उनको डिप्टी सीएम बनने लायक भी नहीं थे, बनाया खैर जो भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर थे विजय कुमार सिंह, जिस प्रकार समय समय पर आक्रामक तेवर अपनाते थे नीतीश कुमार जी के लिए, वो देखने वाली बात थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार चिराग पासवान को खड़ा करके जेडीयू का नुकसान किया गया था, जो षड्यंत्र रचा गया था, वो जिम्मेदार थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी कोटे से जितने भी मंत्री बने थे वो समय समय पर जिस तरीके से बयान देते थे वो भी नीतीश कुमार जी को एसेस कर देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार चलाने का हर संभव प्रयास करते रहे। गठबंधन जब हुआ था उसके अंदर किसी प्रवक्ता ने सब बात को ध्यान नहीं दिया, जेडीयू के आशीष जी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा शायद, लेकिन इन्हें याद होगा कि 2019 के अंदर नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र की सत्ता के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र के अंदर आरसीपी सिंह को मंत्री पद दिया था, वो भी नीतीश कुमार को बिना पूछे। ये भारतीय जनता पार्टी बताना नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही थी जैसे कि प्रदीप तिवारी जी ने बोला, आशीष जी ने बोला, महाराष्ट्र फैक्ट यहाँ पे होने वाला था, लेकिन वो उद्धव ठाकरे थे, ये नीतीश कुमार थे। बहुत फर्क इन दोनों के अंदर। नीतीश कुमार राजनीति को समझते हैं और पॉलिटिकल लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार एक बहुत बड़ा राज्य हो जाता है पॉलिटिकल लिहाज से। लेकिन मैं यहाँ पे आपत्ति करूंगा केसी जैन साहब की बात के ऊपर, जिन्होंने बार बार ये टिप्पणी की
कि जो नीतीश कुमार जी थे ये उप मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं थे। अरे भैया 2000 से मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 7 दिन के लिए, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और आप उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। आपसे गठबंधन करने के बाद में, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपसे गठबंधन करने के बाद में उनका नुकसान हुआ था 2015 के अंदर जब उनकी सीटें थी उस समय उनकी सीटें थी 53, लेकिन उसके बाद में 71 सीटें थी लेकिन गठबंधन करने के बाद में उन्हें 21 सीटों का नुकसान हुआ था और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने लायक भी नहीं थे। आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं 45 सीटें लाने के बाद में आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपने एहसान कर दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने उल्टा नीतीश कुमार की बैसाखी को पकड़कर बिहार के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया। आप इस तरह की जो टीपा टिप्पणी करेंगे एक बड़े लेतर के ऊपर, बड़े नेट लीडर के ऊपर कि वो इस लायक नहीं है, वो इस लायक नहीं है, तो शायद केसी जैन साहब आपने आंकड़े नहीं देखे होंगे, आंकड़े देख लीजिएगा 2020 से पहले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर आपकी स्थिति क्या थी, नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या थी, आरजेडी की स्थिति क्या थी और उसके बाद में कंपेरिजन कीजिएगा कि कौन किस लायक था कौन किस लायक नहीं था। ठीक है सर, ठीक है प्रदीप भाई ये क्यों कह रहे, हाँ जैन साहब क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए आदरणीय सुभाष जी ने जो बातें कही मैं उनमें से किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि देखिए हर चुनाव के परिणाम और हर चुनाव की रणनीति अलग होती है और आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में अगर आप एक कंपेरिजन कर लें कि जब कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, अगर कांग्रेस ये कहे गठबंधन की वजह से सपा से हमने गठबंधन किया हमारा नुकसान हो गया, तब उसको 10-15 सीटें मिलती है कांग्रेस, और वही कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती है तो क्या होता है कि उसको 0 पे और 1 सीट पे भरोसा करना पड़ता है। तो हर चुनाव के परिणाम और हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, तो ये कह देना कि गठबंधन की वजह से नुकसान हुआ उनका या गठबंधन की वजह से नीतीश जी आगे नहीं बढ़ पाए, हमें नहीं लगता इस बात का कोई भी समर्थन करे। गठबंधन की वजह से नुकसान हुआ, गठबंधन की वजह से फायदा हुआ ये कोई तय नहीं कर सकता है। गठबंधन वाली बात मैंने नहीं की लेकिन आपने जो सीधी तरीके से आरोप लगाया कि वो डिप्टी सीएम के लायक नहीं थे तभी मैं आपको पीछे लेके गया कि जो व्यक्ति सुन लीजिए आप ये गलत बोल रहे हैं, जो व्यक्ति सुनिए अगर कल राज्यपाल जी अगर समय देंगे शपथ लेने का तो वो व्यक्ति कल 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे 8वीं बार। उस व्यक्ति को अगर आप बोले कि वो मुख्यमंत्री लायक नहीं थे तो ये चीजें आप अगर बोलेंगे तो आपको शोभा देता है। 243 सीटों की विधानसभा में 243 सीटों की विधानसभा में 43 सीट पाकर के वो क्या बन सकते हैं अगर वो गठबंधन ना करे तो? आप मेरे अब फिर क्या आप अच्छा पहले बात तक स्टैंड ले लीजिए, आप एक स्टैंड लीजिए, कभी गठबंधन की बात करते हैं कभी गठबंधन की बात नहीं करते। हमने क्या गलत कहा डिप्टी सीएम बनने लायक नहीं है वो, चुनावी परिणाम कह रहे हैं। जैन साहब एक मिनट, नितिन जी मैं कंप्लीट, जैन साहब सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री बन जाए सुनते नहीं आप, भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी है सुनना नहीं चाहती। चुनाव ठीक है जैन साहब सुन लीजिए, चुनाव का रिजल्ट क्या कह रहा है, चुनाव का रिजल्ट तो ये कह रहा है 43 सीट पाकर के डिप्टी सीएम बनने लायक नहीं है। जैन साहब सुनिए क्या, जैन साहब 2020 के अंदर जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी आपके गठबंधन के साथ में तो 7वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री थे और कल अगर वो शपथ लेते हैं तो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो 7वीं बार को अगर हम छोड़ दें तो जो 6 बार हुए थे तो क्या आपने सहयोग किया था उनको या आपके गठबंधन के बैसाखी के सारे मुख्यमंत्री बने थे? नहीं, तो आप फिर होते कौन इस तरह से बोलने वाले तो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। एक बार आप गठबंधन की बात करते हैं, अगर गठबंधन को सामने रख लिया जाए तो गठबंधन करके गठबंधन के अगर रहते आप गठबंधन की बात अगर वो 43 सीटें लेके आते हैं, एक स्टैंड लीजिए क्या गठबंधन सही था या नहीं था, पर वो डिप्टी सीएम बनने लायक है सारा आप लेंगे और बाद में निशाना किसी और के ऊपर साधेंगे। ठीक है ठीक है, नितिन जी क्या कह रहे हैं फिर आशीष जी के पास चलेंगे, आशीष जी कुछ कहना। अखिलेश यादव जी आज पूरा गठबंधन एक हो जाए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी की बात नहीं हो रही, बिहार पे आ जाइए, बिहार पे जाइए, आपने पकड़ लिया आपके पास जवाब नहीं है, पहले कैसे मुख्यमंत्री बनने लायक है जैन साहब प्लीज, मैं भाषा बदल दूंगा, ये बौखलाहट होती है जैन साहब की बात नहीं कर रहे हैं जब तक बोले मैंने पूरी बात को ध्यान से सुना है, पूरा बोलिए आप, कोई नहीं बोलेगा, आप डिस्टर्ब ना करें वरना फिर वो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आपको मौका मिला है, खूब आपने मौका दिया, उन्होंने पूरी बात रखा है, अब जरा बोल ले, दूसरे को भी मौका दे दीजिए। देखिए सच्चाई है कि उन्होंने जो कहा कि वो डिप्टी सीएम बनने लायक नहीं थे, ये सच्चाई है कि ये उनको डिप्टी सीएम
सीएम भी नहीं बनाना चाहते थे, जैसा कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ कि इनके सीएम को बाद में डिप्टी सीएम बनना पड़ा। इन्होंने ये प्लान किया था, इसीलिए चिराग पासवान को वहां उनके खिलाफ खड़ा किया था, और ये चाहते थे कि हालात ऐसे पैदा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर आए, नीतीश कुमार कम सीटों पर आए, और अगर तेजस्वी यादव भी कम सीटों पर होते, ऐसी स्थिति नहीं होती कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बना लेने की हैसियत में होते, ना होते तो भारतीय जनता पार्टी ये गेम खेलती। लेकिन इनको पता था कि अगर जरा सा भी मैंने आनाकानी की तो तेजस्वी यादव के लिए पूरा रास्ता खुला है, आज नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ चले जाएंगे। इसलिए मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से सातवीं बार मुख्यमंत्री का सम्मान दिया। और वही पटकथा जैसा कि हमारे साथी अभी भाई सुभाष यादव जी कह रहे थे कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते रहे, आरसीपी सिंह को केंद्र में ले जा करके वहां विभीषण पैदा करने का काम किया था। लेकिन ये सही बात है कि उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार जी में ये बेसिक फर्क है कि हमारे नीतीश कुमार जी जमीनी नेता थे, छात्र राजनीति से राजनीति करते हुए आए थे, तो इन्होंने उस परिस्थिति को समझा और एक बेहतर खिलाड़ी के तरीके खेल क्यों खेला। जबकि उद्धव ठाकरे बेचारे एक एरिस्टोक्रेट राजनीति करके आए थे, वो मुख्यमंत्री और चुनावी राजनीति करना भी नहीं चाहते थे, बाला साहब ठाकरे की राजनीति की विरासत को भोग रहे थे, जिस कारण वो उस खेल को नहीं समझ पाए। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की तो सदैव से कथा रही है कि जिसके साथ बैठते हैं उसको खा जाते हैं, एक बात ये रही। इसलिए बिहार की परिस्थितियां, और ये सही बात है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल है और वो आठवीं बार कल शपथ लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके किसी भी तरीके से कल को उनके राज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी को ही बुला ले कि बड़ा दल है, ऐसी स्थिति ना करेंगे तो परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और नीतीश कुमार जी कल आठवीं बार शपथ लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनने के लायक नहीं थे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से यहाँ पक्ष रख रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि सारे पैनल जितने बैठे हैं सब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कितने अच्छे नेता हैं, कितने उनकी पावर है, कितनी बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिना इनके। लेकिन इनका जो सारे लोग कहें वही मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, इनको जिस समय सत्ता में आना था इन्होंने उनको पांव पकड़ के हर चीज करके अपने गठबंधन में ले लिया। ठीक, अगर इतना ही इनको डर नहीं था, नीतीश जी इतने ही बेकार व्यक्ति थे तो इन्होंने यूपी में गठबंधन क्यों नहीं किया। इन्हें यह भी डर था कि यूपी में गठबंधन करेंगे तो नीतीश जी की जो विचारधारा है वो यहाँ पे भी अपना कदम जमाएगी। इन्होंने आरसीपी सिंह को मोहरा बना के उनको बार बार आश्वासन देते रहे कि हमारा सीटों का आपका कल फाइनल होगा, परसों फाइनल होगा, और धोखा दिया। धोखा तो इनकी नस नस में भरा हुआ है। आज ये हमारे माननीय नेता के लिए कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया और इनका साथ छोड़ दिया। धोखे की शुरुआत किसने की है? धोखेबाजी तो आपने शुरू की है भाई। ठीक है प्रदीप जी, ये क्यों कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं देखिए, ये कह सकते हैं, कहने के लिए बैठे हुए हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में सरकार बनती है तो उसमें समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी, और सत्ता में शामिल होना ना होना, हमारे मंत्री बने ना बने, वो अलग चीज़ है। मगर हम नीतीश जी के लिए और बिहार की जनता के लिए, सर्वोपरि है जो है वो बिहार की जनता है, उसके लिए जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उस राजनीति से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो हो सकेगा वो करेगी। कांग्रेस पार्टी उसके लिए हमेशा अग्रसर है। और जैसे कि अभी केसी जैन साहब कह रहे थे कि वो 43 सीटें पा करके मुख्यमंत्री बन गए और लोगों के सपोर्ट से बन गए। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे, ये ऐसा तो है नहीं कि प्री पोल अलायंस होता है और पोस्ट पोल अलायंस नहीं हो सकता है, बाद में अलायंस नहीं कर सकता कोई। कोई कभी भी किसी के साथ में अलायंस करके सरकार में शामिल हो सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह बनी है, कई जगह उसने किया है ऐसा काम, और इससे आपको एतराज और कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी कल आठवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो बेहतर ही होगा बिहार की जनता के लिए,
कुछ अच्छा ही होगा, जैसा कि अभी आरजेडी के नेताजी का एक बयान भी आया था कि वो सबसे पहले आते ही युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो मौके हैं उनको सबसे पहले फिलअप करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो रोजगार से बेरोजगारी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो कहते हैं कि जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनका इन्होंने तो आंकड़े भी दे रखे हैं कि आवेदन करते हैं 22 करोड़ और हम उनमें से 7 लाख लोगों को रोजगार दे देते हैं। तो इनका तो वो 2 करोड़ वाला जुमला और 15 लाख वाला जुमला ये सब कुछ चलता रहता है। किसी चीज नहीं, रोजगार बेरोजगार की आपको याद कब आती है? अरे बेटी सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर जांच करती है तब केवल याद आती है आपको रोजगार बेरोजगार की। और मैं वही बताऊंगा, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप ईडी सीबीआई कितना भी लगा लीजिए, ईडी सीबीआई लगा लीजिए, कांग्रेस डरने वाले नहीं है। हमारे नेता ने कह रखा है कि आप जितना ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे कांग्रेस पार्टी महंगाई, आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहिए। बिहार की क्या शुरुआत हो गई है आपके लिए? आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना चाहे कर लीजिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। आपको यही कल रहा था बिहार में कि नीतीश कुमार महंगाई के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, आपसे की महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? यही तो आपको डर था ना कि नीतीश कुमार जी और जेडीयू क्यों प्रश्न पूछ रही है बिहार में? आपको यही डर था ना महंगाई पे क्यों प्रश्न हो रहे थे, बेरोजगारी पे क्यों क्वेश्चन हो रहे थे? यही दर्द था। आप सारे मुद्दे लेके गए बिहार में, नारा 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में आप खुल के आ गए, क्यों खुल के आ गए? आज इसका मूल्यांकन करिए ना। 9 अगस्त जनता ने आपको आईना दिखाया है, आपका चालू हो गया है, मूल्यांकन करने का समय स्टार्ट हो गया है। आराम से मूल्यांकन करिए, बढ़िया खूब अच्छे से आप मूल्यांकन करिए कि क्यों तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, क्यों बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं, क्यों महंगाई की बात नहीं करते हैं। करिए ना, इस पे बात करिए, आप आराम से जा करके बढ़िया से मीटिंग करिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, बताइए ना। आपके झूठ के पुलिंदा को, अरे आप झूठ का पुलिंदा, झूठ के पुलिंदे तो आपके राष्ट्रीय नेताओं के अगर देखे जाए तो उसमें महारत हासिल है। झूठ बोलने में भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं को महारत हासिल है। आपने ही संसद में डेटा दिया है कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 2 करोड़ रोजगार की बात कौन करता था? वो तो लड़ते भी नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात किसने करी थी? जनता के लिए। 2 करोड़ रोजगार की बात बता दीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार पे प्रतिवर्ष की बात कौन करी थी? आप बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार की बात किसने कही थी प्रतिवर्ष देंगे? उसके बाद संसद में क्या डेटा दिया गया? 0.5% रोजगार दिया आपने, खूब हाय तोबा बचाई, आपको मिला क्या? ये अरे आप इसमें जवाब दीजिए ना कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? उत्तर प्रदेश में आपका खाता नहीं खुला एक। अरे आप बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? हेलीकॉप्टर से चलने वाले को महंगाई नहीं दिखाई देती है, समझ रहे हैं? करोड़ों रुपए की मशरूम खाने वाले को महंगाई नहीं दिखाई देगी यहाँ पे, महंगाई नहीं दिखती है। हमने कहा जेल आपको आईना दिखा दिया, आपको बताइए ना, करोड़ों रुपए की मशरूम खाएंगे और महंगाई में बात कैसे नहीं करेगा? जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई जैन साहब सुन लो, जनता के बीच में कहीं आप टिक रहे? अरे सुन लो, जनता के बीच में आपके नेता दिख रहे हैं किस तरीके से गालीबाज नेताओं को पाल के रखा है, वही नेता जनता के बीच में दिख रहे हैं। हाँ नितिन जी क्या कह रहे हैं? तिवारी जी रुक जाओ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ एक मिनट में जैन साहब का। हमने कहा जैन साहब सुनो भाई, नहीं पूछा ना मैंने, कोई भी चीज जवाब देंगे उसका ऊपर जाने की, इसके बाद नारा बुलंद हुआ गंदी बात है, गंदी बात है, वेरी बैड मैनर, सुन लो।
सुन लो बैड मैनर है। आप अच्छे आदमी हो, बैड मैनर क्यों कर रहे हो? आपको भाषा में सुना है, जवाब तो कुछ है ही नहीं। आप अच्छे कोई प्रश्न तो मैंने किया नहीं आपसे। अच्छे हो जाओ, सुन लो, मुझसे कुछ पूछा गया? अरे अच्छे भाषण दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ भाषण आपका। मेरे भाई नमस्ते, आप अच्छे आदमी, सुन लो, आप अपना क्यों लफंगाई वाला परिचय दे रहे हो? लफंगाई वाला देखो, कोई भी चीज 9 अगस्त 1942 को इस देश में नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज भगाओ, देश बचाओ। आज 9 अगस्त को फिर देश से नारा दिया गया है, भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बिहार की धरती से भाजपा भगाओ का नारा बुलंद हो गया है और देश से भाजपा भागेगी। समाजवादी पार्टी बची नहीं है, समाजवादी पार्टी नबीदोज हो गई है, बची नहीं है। और जो खुद नबीदोज हो गए दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। आपके चाचा अपनी पार्टी को छोड़ के यादव भारतीय जनता पार्टी में आ गई। रोजगार की जो बात चल रही थी, उसके अंदर जब 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, राजभर जी को आप उद्धार लगा रहे हैं। जैन साहब, आपके अंदर क्या बताएंगे? आपके अंदर क्या पैसेंस नाम की कोई चीज वगैरह है? आधार खत्म हो गया, एक राज गया ना। ये रोजगार की जो बात चल रही थी, रोजगार की बात यहाँ पे आई नहीं, लेकिन रोजगार की बात इसलिए आई कि 2020 के अंदर जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनके घोषणा पत्र के अंदर था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और जब ये गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो रही थी उसके अंदर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट बोला था कि पहली कैबिनेट मीटिंग की जब होगी बैठक तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पहला प्रस्ताव यह आएगा 4 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जा रही है और जो दूसरी सरकार आ रही है वो अपने मुद्दों पर कहीं ना कहीं खरी उतरने का प्रयास कर रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी को समझने का प्रयास करना चाहिए। रही बात यहाँ पे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मेरे काबिल दोस्त केसी जैन साहब शायद आज मीडिया चैनल के अंदर देखे नहीं होंगे, सुबह से लेके शाम तक तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भक्त चंद दास जो कि कांग्रेस के बिहार के प्रभारी, तीनों नेता बैठ के विधायक दल के नेताओं की बैठक कर रहे थे और उसी के अंदर सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। 2015 के अंदर भी इसी कांग्रेस के 27 विधायक थे और इनके 4 लोग मंत्री पद के अंदर थे। बार बार बोल रहे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, होमवर्क करके नहीं। मैं सुन रहा हूं, जवाब ले लीजिए, 5 सेकंड जल्दी से बोलिए जैन साहब। देखिए जो बात ये कह रहे हैं कि देखिए जो लोग नीतीश जी के भी खिलाफ लड़े, जो लोग तेजस्वी जी के भी खिलाफ लड़े, आज वो कह रहे हैं उनका हम साथ दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेगाने की शादी में बुल्ला दीवाना नहीं तो और क्या है? आप क्या बनने जा रहे हैं? कितनी सीटें आपके पास में? राजनीति में होता है संख्या बल, आप एक दल बना ले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और आपके पास विधायक एक भी ना हो, गोवा में आपका क्या हाल था? आपकी चलेगी गोवा में, आपका क्या हाल था? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के रूप में उभर के आई थी, क्या आपके राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया? देखिए मुझे पास नहीं, फिर आप गलत बयान क्यों दे रहे? मैंने सबको सुना नहीं, गलत, यही तो है भाजपा की रणनीति। ठीक है, प्लीज समय कम है, प्लीज समय कम है, समय कम है भाई, समय कम है, थैंक यू आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना अपना पर्चा कर रहा है जैसा, थैंक यू, प्लीज जैसा, थैंक यू आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बिहार में एक नई पटकथा लिखी गई है, 24 पर इसका कितना असर होगा ये देखना अहम होगा, लेकिन जो वादे आरजेडी ने चुनाव से पहले किए थे और अगर वो कल सत्ता में आ जाती है उनका कितना भाग रहेगा, उन वादों पर कितना फोकस रहेगा ये भी देखना अहम होगा, और दूसरे राज्यों पर इसका कितना असर होगा ये भी देखना होगा। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।